खाली ये जाना है आपसे कि हाउ डिड इट स्टार्ट एंड अब आपने जाकर क्यों बोला इस बारे में। देखो कभी ना कभी तो हिम्मत होती है ना, कभी हमेशा तो इंसान ये नहीं होता ना, डर लगता है। आप काम कर रहे हो, आपको वहाँ पैसे मिल रहे हैं, आपका घर चल रहा है, तो बोलने के उसके मतलब बड़े लोग हैं उनके खिलाफ बोलने में डर लगता है कि यार कौन बोलेगा। हमेशा सब बचते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, नहीं बोल पाते। वैसे मैं भी नहीं बोल पाई, लेकिन जब 7 मार्च को ये कुछ इंसिडेंट हुआ शूट पे, जिसके कारण बहुत सारी चीजें मुझे गेट आउट करके निकाला गया शूट पे, मेरी गाड़ी रोका गया, वो सब ऑलरेडी मीडिया में है, सब बातें वो सब जब हुआ तो फिर तो भी आई वॉज नॉट विलिंग टू यू नो टेक दिस आउट कि ठीक है चलो मैं यहाँ से छूट गई, बहुत हो गया, ये गुलामी खत्म, लेट मी बी एट पीस एट होम। लेकिन ये मेरे को और दबाने की कोशिश करने लगी, 20 दिन बाद मुझे नोटिस भेजने लगे कि आपने हमारा शो छोड़ा और हमारे ये नुकसान वो नुकसान वैसा पैसा वैसा देता। तो भी मैंने उनको नॉर्मली ड्राफ्ट भेजा, व्हाट्सएप पे सिर्फ ड्राफ्ट भेजा, सिर्फ डराने के लिए कि इनको मालूम ये सब फैक्ट था, ये चुप हो जाएंगे। लेकिन वो बोलते ना और बेशरम उन लोग और उस पर मुझे बोलने लगे मैं मनी स्टॉप करनी, मैं तो मेरा पैसा नहीं मांग रही हूँ, 3.5 महीने का उनके पास है, वो नहीं मांग रही, क्या मनी स्टॉप करूंगी। तो आपको अभी तक आपके पैसे भी नहीं मिले 3 महीने के? नहीं, 3.5 महीने के पैसे नहीं मिले मुझे, मैंने मांगे भी नहीं। मैंने उनको बोला मेरी तरफ से ध्यान रखो, नीला टेल बहुत गरीब है, मेरी तरफ से ध्यान रखो। एंड माय लॉयर जस्ट व्हेन ही टोल्ड के दिस इज यू नो मोर देन अनफ फॉर पिकनिक डिलीवरी, तो जो मैंने सारी चीजें बताई उसने बोला आप इतने सालों से इतनी चीजें कह रहे हो कभी बोला कि नहीं? मैंने कहा नहीं, हिम्मत होती यार, नहीं होती, उसे मेरा घर चलता है, मैं कैसे बोलूं जी। तो ही टोल्ड यू हैव टू स्पीक अप इट हाई टाइम, एक औरत को यू नो डिग्निटी के खिलाफ उसको गेट आउट करके बोला गया है, यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट दिस इंक्लूडिंग ऑल द फैक्ट दैट आशीष मोदी हैज टोल्ड मी व्हाटएवर द सेक्सुअल एडवांसेस ही मेड टुवर्ड्स मी, द रिमार्क्स ही मेड टुवर्ड्स मी। वो अभी मैं सुबह से बोल बोल कितना थक गई हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, ओनली थिंग इज व्हाटएवर आई एम सेइंग इज ट्रुथ, धीरे धीरे वो सब चीज बाहर आएगी। लोगों को पता था कि आपके साथ ऐसा होता था और वो भी कुछ नहीं बोल पाए? और लोगों के साथ भी होता है, वो उनकी जब हिम्मत होगी वो बोलेंगे। अच्छा, मैं किसी के लिए थोड़ी ना जवाबदार बैठी हूँ, जैसे वो मेरे निकलने से वो सब हट गए हैं, कहते कि सर किसी सीन के जैसे सब हट गए, कोई जानता भी नहीं मुझे, वैसे हट गए। वैसे उन लोग जब वहां से निकलेंगे तब वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अभी भी पहले जो लोग निकले हैं कुछ लोगों ने बोला है, कुछ तो नहीं बोला, शैली जी ने स्टार्ट किया है। हाँ। उससे पहले नहीं, हाँ गुरुचरण राज सब निकले हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। अब कितने बोलना चाहेंगे वो मुझे नहीं मालूम, मैं भी नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन मुझे यूनिवर्स ने कराया कि नहीं करना है, क्योंकि वो बार बार मुझे अटैक करते गए, मैं डिफेंस करती थी, अटैक करते गए डिफेंस करती थी। अभी भी वरना मैं 2 महीना चुपती रहती हूँ, बताओ राज, मैं बोलती ना 2 महीने पहले ही बोलती ये सब चीजें। लेकिन तो फिर अब ऐसा हुआ कि मुझे कल फोन आया था अंदर से बोला आप शो में चलिए, तो भी मैं रिलक्टेंट थी बोलूं, लेकिन फिर मेरे लॉयर ने बोला नहीं बोलो, आई हैव टू स्पीक अप। बट मैम आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है इस पूरी लड़ाई में आपका? 100% बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड, ही वाज द फर्स्ट वन टू सपोर्ट मी, जिसने मेरे को बोला तुम अभी छूट छोड़ के आ जाओ घर। मैंने कहा इन लोग मेरे 3.5 महीने के पैसे रोक लेंगे, बोले रोकने दो। मैंने कहा इन लोग मेरे को रिप्लेस करेंगे, बोले करने दो, यू विल बी आर यू फाइंडिंग पीस देयर, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पीस और हैप्पीनेस या वहाँ पर पैसे? मैंने कहा ऑफकोर्स पीस एंड हैप्पीनेस, बोले आर यू हैप्पी एंड पीसफुल? मैंने कहा नहीं, बोले कम टू होम। And my in-laws also, they were very supportive, my, you know, mera bhai ka, everyone is very supportive. And they just said, we are with you, and you, everyone knows, including Ashish Modi Sohil, just in the time speaking the truth. That will come out eventually, okay? ग्रेट मैम, एंड लास्ट क्वेश्चन, असित मोदी के खिलाफ आप केस लड़ने वाली हैं या फिर ये मीडिया तक ही आप इसको सीमित रखने वाली हैं? मीडिया पे तो मैंने दिया ही नहीं था, मैं तो पहले केस ही लड़ रही थी, मैंने तो उनके खिलाफ FIR किए, रजिस्टर किए ही है ऑलरेडी। अब वो FIR जब एक्सेप्ट होगा एंड एवरीथिंग देन द थिंग विल टेक प्लेस, ओके? तो अब वो आगे देखी जाएगी, जो भी मुझे जो भी मेरा लॉयर बोलेगा मैं वही करूंगी। या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।